का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिसका असर आम आदमी के साथ साथ अब जानवरों पर भी दिख रहा है। ऐसा ही एक ताजा मामला आया है मुजफ्फरपुर जिला के सदर थाना क्षेत्र बीबीगंज से। आनंदपुरी मोहल्ले में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई जब वहां पर लगभग 5 फीट के नाग सांप से मोहल्लेवासी दहशत में आ गए और विशेष चर्चा का विषय भी बन गया। इस दौरान लोगों ने सांप को भगाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वहां मौजूद नागदेव कुंडली मारकर बैठ गए। मोहल्ले के लोगों के बीच में कुछ देर के लिए खौफ और डर का भी आलम बना हुआ था। बता दें कि ठंड के बढ़ने के साथ सांप का भी निकलना आम बात है। स्थानीय धर्मशीला देवी के कैंपस में 5 फीट के सांप घुसने की खबर से भीड़ जुड़ गई। उसे भगाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। जानकारी मिलने पर स्थानीय सपेरे भी वहां पहुंचे और सांप को अपने साथ पकड़कर ले गए। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। आई बताइए, आया था सांप? बहुत डर था, बच्चे लोग हैं घर में तो डर तो लगेगा ही ना कि कहीं। क्या देखें बताइए? हम तो छत पर थे, छत पर से पता चला कि नीचे सांप है, तो फिर दौड़ के आए हैं नीचे। उसके बाद फिर कपड़ा उपड़ा जला उला के दिए हैं, तो मोहल्ले का लड़के लोग आ गए हैं, तो सब फिर भगाना चालू किए हैं। नाग देवता थे? हाँ, नाग देवता थे। पूजा वूजा की आप लोग? हाँ, पूजा तो हम लोग को नाग देवता पूजाता भी है। हम लोग कहीं ना कहीं डर दहशत था, बहुत डर दहशत था। तो गेट के अंदर बाहर से अंदर में घुस गया है और जाके गाड़ी के नीचे वो बैठ गया है। लोग बहुत लोग जमा हो गया है, तो गाड़ी से फूल में जा रहा था, फूल से फिर उधर शहर के तो गाड़ी में जाके छतर काट के बैठ गया है। फन मार रहा था? हाँ, फन मार रहा था, बहुत फन मार रहा था। ऐसे ही से माथा डोला रहा था, माथा डोला रहा था। तो हम कहे जे नहीं मारो तुम लोग इसको, हम लोग के घर में देवता पूजाता है। तो फिर लाठी से दो लड़का आया है, तो बांस से उसको घसीट के बाहर निकाला। नाग था? नाग था।